माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं सी शार्प में फ्लो कंट्रोल या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं इफ क्लास पे। मैंने कुछ क्लासेस बनाई हैं, इफ क्लास, इफ एल्स, देन स्विच एंड देन टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ क्लास की। सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल क्या होता है। लेट्स से कि आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई कोड लिख रहे हैं, पर आपको क्या काम करना है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है, एंड देन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपका जो पर्टिकुलर एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है। एंड देन सबसे पहले समझते हैं कि इफ केस क्या होता है। सपोज करो कि लेट्स से कि आपने क्या काम करना है कि कोई पर्टिकुलर डे चेक करना है, अगर वो डे संडे है तो आप खेलने जाएंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर डे ही संडे है तो आप खेलने जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सपोज कीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया डे, और जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी संडे। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ, इफ डे इक्वल्स टू संडे। ये मुझे एक फंक्शन में डालना है, तो मैं फंक्शन लिख लेता हूं पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल, और इस कोड को सारे को यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, दिन चेक किया, और अगर वो संडे होता है तो मैं बोल दूंगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल प्ले टुडे। तो यहां पे हमने क्या काम किया, एक बार फिर से समझते हैं, हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया डे, जिसको एक वैल्यू दे दी संडे, फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी दिन अगर संडे होगा तो मैं उस दिन खेलूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैं एक कंडीशन जो है अगर वो मेरी सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तभी मेरा उसके जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो देख लेते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। इस मेथड को कॉल कर दिया, देखते हैं क्या प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, देख लेते हैं कि क्या एरर आई है। नहीं, कोड बिल्ड हो गया कोई भी, ओके एक बार देखते हैं क्या एरर। ठीक है, तो यहां पे एक कर्ली ब्रेसेस आई थिंक लगाना था, ये अभी भी बोल रहा है। अब कोई एरर नहीं है, इसको चलाते हैं फिर से। तो उसने प्रिंट करा दिया कि आई विल प्ले टुडे। अब अगर हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो देखते हैं कि क्या होगा। फिर से क्लास में जाता हूं, एंड देन मैं कह देता हूं कि जो मेरा डे है वो है आज मंडे, पर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा डे संडे होगा तो मैं खेलने जाऊंगा, ठीक है। तो इस बार इसने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूं ये लाइन, और ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं जब मेरा दिन संडे है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। तो यही हमारा इफ होता है, ठीक है। अब हम एक बार इफ एल्स को समझ लेते हैं। सपोज करो आपको क्या कोई भी कंडीशन चेक कर रहे हैं, एंड देन आपको क्या काम करना है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है, तो आपको कुछ काम करना है। लेट्स से काम ए करना है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको काम बी करना है। उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर का जो ब्लॉक है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स हो जाती है, तो वो डायरेक्टली जो एल्स के अंदर का पार्ट होता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है।
अब इसको एक बार देखते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सो पब्लिक वॉइड एग्जांपल, ये मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से ओके इंट ए इक्वल्स टू 6 कोमा बी इक्वल्स टू 7। मैं यहां पे चेक कर ले रहा हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन कि ए जो है वो इज ग्रेटर देन बी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है वो डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा, और इसका मतलब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, या तो ए बी के इक्वल होगा या ए बी से छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि आइदर ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ए मेरा 6 है एंड देन बी 7 है। कंडीशन चेक की क्या ए बी से बड़ा है, नहीं ए बी से तो बड़ा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और ये कोड को रन कर देगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज ए की वैल्यू 7 है एंड देन बी की वैल्यू क्या है 6, उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, या तो इफ वाली या एल्स वाली। सो जब आपका कोड रन होगा या तो इफ कंडीशन के पार्ट जो पार्ट है वो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला, दोनों कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इसको भी एक बार चला के देखते हैं। सो इस क्लास का भी एक बार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इफ एल्स एंड देन इस इफ एल्स में उस एग्जांपल को कॉल कर देते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट कराता है। सो इसने प्रिंट करा दिया आइदर ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी। अब समझते हैं कि इफ एल्स इफ एल्स लैडर क्या होता है, इसको समझते हैं। सो पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है एंड देन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और उस बेस पे आपको कुछ काम करना है तो आप हमेशा इफ यूज करेंगे। अगर आपको आइदर दिस और दैट, मतलब कोई भी दो कंडीशन होगी और उन दोनों में अगर इस कंडीशन की कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करना है और वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो काम करना है, अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो आप इफ एल्स का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा उस केस में सिर्फ कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकती है। अब क्या होता है कि सपोज करो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, दो से ज्यादा, वो तीन हो सकती है या कि तीन से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। सो उस केस में हम इफ एल्स को जो लैडर होता है उसको यूज करते हैं। अब इसका ध्यान दीजिएगा कि ये काम कैसे करता है। चार्जर तो ये कैसे काम करेगा, इसका ना एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक void चार्जर कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसको कैसे करते हैं एक बार पहले समझते हैं। सपोज कीजिएगा कि आपके पास तीन कंडीशन है, तो हमेशा जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो इफ होगी, जो लास्ट कंडीशन होगी वो हमेशा एल्स होगी। तो बीच में कितनी कंडीशन, तीन में से दो कंडीशन तो ये हो गई, बची कितनी एक, तो वो होगा हमारा एक एल्स इफ। अब सपोज करो आपके पास फाइव कंडीशन है, सो फाइव कंडीशन के केस में भी हमेशा फर्स्ट कंडीशन इफ होगी, लास्ट कंडीशन हमेशा एल्स होगी। तो दो तो ये हो गई, पांच में से दो गई, बची कितनी तीन, तो हमें तीन एल्स इफ यूज करने होंगे, ठीक है। अगर आपके पास 100 कंडीशन है तो आपके पास हो सकता है कंडीशंस कितनी भी हो, ठीक है, पर आप इफ और एल्स को एक ही बार यूज करेंगे, बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे हमारे एल्स इफ होंगे। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्या काम करते हैं कि फिर से उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। इंट ए इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, सो प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ए जो है वो इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में प्रिंट करा देता हूं कि ए जो है वो इज लेस देन बी है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बची, थर्ड कंडीशन बची मेरी ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी। अब एक चीज और समझ लेते हैं, आप इफ और एल्स इफ दोनों को जब भी लिखेंगे उनके साथ कंडीशंस लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। और जो एल्स पार्ट होता है जो कि मेरा लास्ट में जाता है वो हमारा डिफॉल्ट केस होता है, अगर इफ और एल्स इफ इनमें से कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट आपका कोड एल्स ब्लॉक के अंदर का पार्ट को एग्जीक्यूट कर लेता है। अब इसको समझते हैं कि ये मैंने क्या काम किया, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है एंड देन बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, तो मैंने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा, नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू तो 5 है तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वो एल्स इफ पे आ गया, क्या ए बी से छोटा है, यस, तो यहाँ पे वो क्या काम कर देगा, ए लेस देन बी को प्रिंट कर देगा। ये केस हम समझ चुके हैं। अब हम क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, दोनों की वैल्यू 5 कर देता हूँ। अब उस केस में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो अगर ए ना तो बी से बड़ा हो सकता है ना ए बी से छोटा है, तो सीधी सी बात है वो एल्स में आ गया और एल्स में मैंने प्रिंट करा दिया कि दोनों नंबर मेरे इक्वल है। अब इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं एक बार कि ये क्या प्रिंट करता है। सो आ गया इफ एल्स इफ एल्स और इसके फंक्शन को कॉल कर देता हूं, देखिएगा ये प्रिंट कराएगा कि मेरे जो दोनों नंबर है वो दोनों के दोनों नंबर ही मेरे इक्वल है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, सो ये ना एक शॉर्ट सिंटैक्स है इफ कंडीशन को चेक करने के लिए, इफ एल्स को चेक करने के लिए, सॉरी। तो क्या होता है, इसका सिंटैक्स ये होता है कि बाइस को समझते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखता है। जैसे कि आपके पास इंट इक्वल्स टू 5 है कोमा बी इक्वल्स टू आपके पास 6 है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो आपको ट्रू प्रिंट करा देना, अदरवाइज आपको फॉल्स प्रिंट करा देना। तो इस केस में जो रिजल्ट है वो बूल टाइप का है, तो मैंने क्या काम किया, बूल टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने रिजल्ट, और उसमें मैंने कंडीशन ऐसे दे दी कि ए जो है अगर वो ग्रेटर देन है 20 है, एंड देन फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ट्रू, अदरवाइज वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये कंडीशन चेक कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड देन उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो मैंने पहले लिखा है क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो पार्ट इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी वो वैल्यू, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ये फॉल्स हो जाती है तो जो कोलन के बाद की वैल्यू है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक बार ना इसको प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को। तो इस केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 6 है, ए बी से बड़ा तो नहीं है तो रिजल्ट में फॉल्स होना चाहिए और फॉल्स ही मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो टर्नरी ऑपरेटर का भी एक बार ऑब्जेक्ट बना के इसको चेक कर लेते हैं। क्या प्रिंट होगा, फॉल्स मेरा प्रिंट हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, स्विच स्टेटमेंट, सो स्विच को भी यूज कर लेते हैं। अब जब हमारे पास लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, वो 200 भी हो सकती हैं, तो
इफ एल्स इफ एल्स लैडर को यूज कर सकते हैं। फिर स्विच केस क्यों? स्विच केस भी क्या काम करता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है उन्हीं को चेक करने के लिए हो जाता है, यूज किया जाता है। बट क्या काम करते हैं, जब आप इफ एल्स इफ एल्स लिखते हैं ना तो आपके पास ना बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो आपका कोड ना क्लीन नहीं होता, एंड देन इट वुड नॉट बी इजी फॉर अदर डेवलपर्स टू सी एट योर कोड एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। अगर कोई भी डेवलपर देखता है आपके कोड को तो वो एकदम इजीली नहीं समझ पाएगा कि आपने कौन कितने केस लिखे हैं और किस किस केस में आप क्या कर रहे हैं। सो उस टाइम पे आप क्या काम करते हैं, स्विच को यूज करते हैं। स्विच की हेल्प से आप क्या काम कर सकते हैं, अपने कोड को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। ठीक है, आपका कोड देखने में इजी सिंपल लगेगा एंड वो इजी टू अंडरस्टूड होगा। ठीक है, और इसका सिंटैक्स भी थोड़ा इजी होता है, समझते हैं कि कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि आपने क्या काम किया, यहां पे कोई वैल्यू ले ली जैसे कि int वन। ठीक है, मैंने क्या काम किया, यहां पे एक वेरिएबल ले लिया int day equals to। ठीक है, और मैंने यहां पे कोई भी वैल्यू दे दिया अभी वन। ठीक है, और मैंने क्या काम किया, मैंने स्विच केस को यूज किया, स्विच में मैंने दे दिया डे। ठीक है, कि डे के बेसिस पे क्या काम करे, दिन को प्रिंट कर दे। अब ये कैसे काम करेगा, ये केस ले लेता है। केस में क्या होगा, पहला केस लिखते हैं केस, ठीक है, जो कि मेरा हो गया वन। केस वन में क्या काम करेगा, केस वन में ये कर देगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन में ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा मंडे। ओके, यहां पे देख लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक बार केस टू को भी चेक करता हूँ, एक बार देखता हूँ कि इसके सिंटैक्स में क्या इशू आ गया। डोंट नो कि ये इशू क्यों दे रहा है, एक बार समझते हैं कोड को देख। तो ये केस वन हो गया, ठीक है, ऐसे ही उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ एंड फिर बाकी केसेस भी लिख देता हूँ यहीं पे। तो मेरा केस, इसको फिर बाद में मैं एडिट कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा केस वन हुआ, ये केस टू हुआ, टू को मैंने कर दिया ट्यूजडे। ठीक है, केस हो गया मेरा थ्री, थ्री को मैंने कर दिया वेडनेसडे। फोर को मैंने कर दिया थर्सडे। फाइव को मैंने कर दिया फ्राइडे। सिक्स को मैंने कर दिया सैटरडे। इनको भी पूरा लिख लेता है। ठीक है, एंड देन सेवन पे मैं लिख देता हूँ संडे, और केस एट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैं प्रिंट करा देता हूँ रॉन्ग इनपुट, एंड देन इसको भी ब्रेक कर देता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझता है। तो मैंने क्या काम किया, स्विच केस में एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, ये क्या काम करेगा, उसकी वैल्यू चेक करेगा और वो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाएगी उस केस में जो भी कोड या फंक्शन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके बाद हमने ब्रेक लिया है। ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यू टू मैच कर जाती है, तो टू के केस में जो काम कराना वो मैंने यहाँ पे करा दिया, उसके बाद ये ब्रेक हो जाए, वो उससे बाहर निकल जाए, इट मींस कि वो जो बाकी के केसेस है उनको रन ना करे। सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस लिया है। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, सपोज करो आपने कोई वैल्यू दी, ठीक है, एंड देन वो वैल्यू किसी भी केस से नहीं मैच की, तो जो बाय डिफॉल्ट वो क्या काम करेगा, डिफॉल्ट वाले पार्ट में चला जाएगा और डिफॉल्ट के अंदर का जो कोड था उसको एग्जीक्यूट
कर देगा। अब हमने क्या काम किया है, हम सबसे पहले तो जो डे है ना उसको यूजर से लेते हैं, इसको सही से समझने के लिए। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहां पे स्टोर कर लेता हूं। ये भी बताता हूं ये किस लिए यूज किया। अगर आपने हमारी यूजर इनपुट वाली वीडियो देखी है ना, तो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या काम करता है, जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, पर मुझे जो दिन चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस टाइप में चाहिए, वो मुझे इंट में चाहिए। तो मैंने उसको कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 मेथड यूज करके उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास 7 ही डेज होते हैं मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। अगर मैं मंडे को 1 मान लेता हूँ तो संडे मेरा 7th डे हो गया। बट अगर मैं कोई लेट्स से यूजर वैल्यू दे देता है 10 या 15 या 20 या 9, ठीक है, या वो 0 दे देता है, वो सब तो क्या होगी, वो रॉन्ग इनपुट हो गए ना। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया, वो डिफॉल्ट केस में जाएंगे और रॉन्ग इनपुट को प्रिंट कर देंगे। और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, तो स्विच केस को रन करने के लिए फिर से स्विच केस का यहां पे प्रोग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्विच क्लास, डॉट एग्जाम्पल। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। सो सबसे पहले ये डे नंबर मांगना है, लेट से मैं कह देता हूं 4। तो 4 के केस में उसने उसको केस 4 मिल गया। केस 4 में क्या था, हम थर्सडे प्रिंट कराते हैं, उसे थर्सडे प्रिंट किया एंड देन ब्रेक कर दिया, ठीक है, कि उससे आगे अब नहीं चलेगा। अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं और इस बार हम कोई ऐसा नंबर देते हैं कि जो किसी भी केस से मैच नहीं होगा। लेट से मैं कह देता हूं कि 12 मैच नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट केस में गया और इसने प्रिंट करा दिया रॉन्ग इनपुट, प्लीज प्रोवाइड द वैलिड इनपुट। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस। ओके, सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।